देखें स्पाइन के अंदर मोहरे बेशुमार हैं, मैं आपको इस स्केलेटन के ऊपर वाजे करता हूँ। स्पाइन के अंदर ये सर्विकल स्पाइन है, ये थोरैसिक स्पाइन है, ये लंबर स्पाइन है और ये कॉक्सीजियल स्पाइन है, ठीक है। हर दो मोहरे के दरमियान एक डिस्क होती है जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर होती है, ठीक है। वक़्त के साथ जो वेयर एंड टेयर है वो इस डिस्क के अंदर भी होती है। डिस्क की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो एक गाड़ी का जो टायर है वो उस जैसी होती है, जिसमें टायर का जो पेरिफेरल पोर्शन है वो ये वाला है, और जैसे वो गाड़ी का सेंट्रल पोर्शन जो है जिसके अंदर वो रिम लगा होता है वो जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर झिल्ली सी होती है। इस डिस्क का मकसद है शॉक एब्जॉर्प्शन, चलते फिरते भागते छलांग लगाते वक्त ये सारा आपकी बॉडी का और ग्राउंड फोर्सेस का जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उनका सारा जो जिसे कहते हैं बोझ है वो बर्दाश्त करती है और ये किसी चीज़ को डैमेज नहीं होने देती। अगर स्पाइन का फंक्शन देखा जाए तो ये हराम मगज़ को और नसों को प्रोटेक्ट करती है ताकि उनमें कोई गज़ा ना हो, कोई उन्हें नुकसान ना पहुँचे इनके मूवमेंट वगैरह में। हर लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती स्पाइन में जो थ्री डायमेंशन होती है, और वो मोशन वो ज़रूरी है ताकि इस सारे स्पाइन को मोबाइल रखने के लिए। मगर वक़्त के साथ जो वेयर एंड टेयर होती है उसमें ये डिस्क जो है वो कलेप्स कर जाती है। इसके अंदर डिस्क कलेप्स करने के बाद यहाँ से जो नस निकल रही होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ों को चलने फिरने में दिक्कत होती है। वो चलते फिरते हैं तो पाँव सो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद भारी हो गए मगर एक्चुअली वो सुन्न हो जाते हैं, महसूस करने की हिस कम हो जाती है और दर्द शुरू हो जाती है। उनको थोड़ा सा भी चलने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप उनके एक्सरे देखें तो ये डिस्क स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये नसें जो यहाँ पे वो दब जाती हैं। जो आपका सवाल है कि डिस्क फ्यूजन क्या होती है, स्पाइनल फ्यूजन क्या होती है, अगर इस डिजेनरेटिव कंडीशन में अगर देखा जाए, एक्सरे देखे जाए, मुख्तलिफ व्यूज़ मुख्तलिफ पोजीशन में लिए जाएँ, तो यहाँ पे एबनॉर्मल मोबिलिटी होती है जो पेनफुल होती है। इस एबनॉर्मल मोबिलिटी को आप रोकने के लिए इसको आप फ्यूज़ कर दें। फ्यूज़ करने का मकसद ये है कि डिस्क जो है इसको रिमूव कर दें, इसके अंदर जो एरिया को फ्रेश करने के बाद उसके अंदर बोन या स्पेसर या कोई और मटेरियल जो टाइटेनियम वगैरह का है वो डाल दें, ताकि उस लेवल के ऊपर एबनॉर्मल मोशन ख़त्म हो जाए। जब वो एबनॉर्मल मोशन ख़त्म हो जाएगी तो नर्व रूट की या ड्यूर सैक जो है पीछे जो हरा मगज़ है इसकी इरीटेशन भी ख़त्म हो जाएगी और दर्द ख़त्म हो जाएगी और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा, उसका चलना फिरना आसान हो जाएगा।